धन्यवाद। जैसे सुखी साहब ने कहा, ये मेरा पहला दौरा नहीं है बिहार का, पर पहला रैली है। पांच बार पहले आ चुका हूं, करीबन 15 जिला घूम चुका हूं, 14-15 जिला घूम चुका हूं। हर छोटे छोटे शहर में जाकर हम बात कर रहे थे कि क्यों एनपीआर, एनआरसी और सीए इस देश के हर नागरिक के खिलाफ है। पहले हम जो है इस देश के नागरिक सरकार को चुनते थे, आज सरकार नागरिक को चुन रही है। ये बदलाव जो सरकार ने लाया है, नागरिक जो सरकार को चुनते थे, आज सरकार कह रहे हैं कि हम नागरिक को चुनेंगे और हम तय करेंगे कि कौन नागरिक होगा और कौन नागरिक नहीं होगा। ये बदलाव, ये हिम्मत सरकार में कैसे आई, ये हमें समझना होगा। पर उससे पहले, अगर इससे मान लीजिए 10 गुना कम भी अगर लोग आए और अमित शाह यहां होते, तो आपसे एक सवाल जरूर पूछता। मैं वो सवाल पूछने वाला हूं। मैं इस देश के 130 करोड़ देशवासियों से पूछना चाहता हूं, घुसपैठियों को चुन चुन के बाहर निकालना चाहिए कि नहीं? हाँ है ना? जब आप हाँ कहते हैं तब वो एनआरसी और एनपीआर लेके आते हैं। आपकी हाँ कहने से ही वो एनआरसी और एनपीआर लेके आते हैं। क्यों? अगर आपको ड्राइविंग आता हो नहीं आता हो, पर गाड़ी चलाएंगे, पुलिस वाला आपको पकड़ेंगे, ये नहीं पूछता आपके पास कि आपको चलाना आता है कि नहीं आता है। आपसे क्या पूछता है? लाइसेंस है कि नहीं पूछता है। अगर मान लीजिए आप पेंशन ले रहे हैं, ऑफिस में जाते हैं और वहां जाके आप बोलो कि मैं जिंदा हूं, मेरा पेंशन दो, तो सरकारी दफ्तर में वो बोलेंगे आप जिंदा हो, खुद आने से नहीं चलेगा, आप लाइफ सर्टिफिकेट दो। और अगर मान लीजिए आपने इस साल का दिया और पिछले साल का गलती से नहीं दिया, तो बोलेंगे पहले पिछले साल का लेके आओ, तभी मानेंगे इस साल तुम जिंदा हो। ये है, हम जानते हैं सरकार कैसे काम करता है। तो जैसे आज इतने सारे लोग यहां पे आए हैं जिन्होंने कहा है कि घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए, आपसे मैं पूछूं कि कौन घुसपैठिया है जिसके पास कागज है, चाहे वो आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वो सब सोचते हैं कि हम नागरिक हैं। जिसके पास कागज नहीं है वो नागरिक नहीं है या घुसपैठिया है। तो दोबारा ये सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं, जिनके पास कागज नहीं है उन सबको बाहर निकालना चाहिए कि नहीं? सवाल यही था। पहले घुसपैठिया बोला, बाद में बोला कि जिसके पास कागज नहीं है। ये 2 मिनट में जब उसका अर्थ आप समझ लिया कि घुसपैठिया मतलब जिसके पास कागज नहीं है, आपका जवाब बदल गया। सरकार यही चाहते हैं कि आप समझे नहीं बात, इस तरीके से सवाल पूछे कि आप हाँ या ना में जवाब दे, हाँ कहे, सबको लगेगा हाँ, सबको चुन चुन के बाहर निकालना चाहिए। ये नहीं सोचते हैं कि भाई हमारे पास भी हो सकता है, जो कागज वो मांग रहा है वो हमारे पास भी नहीं हो सकता। और ये बताओ, अमित शाह ने खुद ही हमें बताया कि ना आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र है, ना वोटर आईडी कार्ड है, ना आपका रेशन कार्ड है। एमएचए का एक कमीशन ने बोला पासपोर्ट तक नहीं है, इसमें से कुछ भी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। तो बाकी बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा क्या? अगर जिस वोटर आईडी कार्ड से हमने एक सरकार को चुना, उस वोटर आईडी कार्ड को देख के ये नहीं मान सकते कि हम नागरिक है, उसके पास हमारे पास बचा क्या है हम नागरिक स्थापित करने के लिए? तब उन्होंने कहा, जब ये कानून लेके आया, नागरिकता संशोधन कानून, उस दिन अमित शाह ने कहा पार्लियामेंट में आके कि कान खोल के सुन लो, हम एनआरसी लेके आएंगे। उस दिन पर आंदोलन शुरू नहीं हुआ था। आंदोलन शुरू हुआ 2 हफ्ते, जनता ने आंख से आंख मिला के सरकार से सवाल पूछने लग गया, तो प्रधानमंत्री रामलीला मैदान से कहते हैं एनआरसी है क्या, मैं तो जानता ही नहीं, डर गया। मैं समझता हूं अगर 1 महीने और हम आंदोलन करें तो प्रधानमंत्री कहेंगे अमित शाह है कौन, मैं तो जानता ही नहीं। क्योंकि जनता के सवाल उन्होंने अभी तक देखा नहीं, लोकतंत्र है क्या वो समझे नहीं। उनको लगता है जिस तरीके से अपने सांसदों को डरा धमका के बिल पास कराया जा सकता है, वैसे पूरा जनता को भी लाइन में लेके आ सकता है। अभी हाल ही में मैंने सुना बिहार के सांसदों के बारे में कि उन्होंने इतने सारे उनके पास काम होते हैं, इसलिए बिना देखे वो कानून उन्होंने संसद में सपोर्ट कर लिया था, शायद बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है। सोचिए
छोटी सी शहर में कोई प्रोटेस्ट होता है, सारे मीडिया वाले प्रोटेस्ट उनके पास जाते हैं और बोलते हैं किसके विरोध कर रहे हो तुम, किसके विरोध कर रहे हो, तुमको पता है किस बात के विरोध कर रहे हो। ये मीडिया वाले वो सांसदों से नहीं पूछता कि किस बिल का समर्थन करके आए तुम, उतना भी नहीं पता। और एक आम आदमी से पूछता है कि पूरा कानून की बात बताओ, जिसने कानून बनाया उसको नहीं पता कि कौन सी कानून बना के आया है, क्योंकि अमित शाह ने धमकाया और घर गया, जनता नहीं डरते। अमित शाह का ना पैसे से लालच है हमारा, ना उसका बंदों का डर है। इस बात को सरकार को समझना होगा, जितना जल्दी समझेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। जो सरकार ये कहते हैं कि हम एनआरसी नहीं करेंगे पर एनपीआर करेंगे, हम एनआरसी नहीं करेंगे पर एनपीआर करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं एनपीआर का एनआरसी के सिवाय कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई वजूद नहीं है। ये बात सीतापुर में, उत्तर प्रदेश में सीतापुर में एक सभा में मैं बोल रहा था, तो वहां के एक महिला साथी खड़े होकर पूछ रहे सर जब इनको पूरी कचौड़ी बनाना नहीं है तो इतना आटा क्यों गूंद रहे, जब इनको एनआरसी करना नहीं है तो एनपीआर कर क्यों रहे, किस बात के लिए एनपीआर कर रहे, चाहे उसमें वो छह सवाल हो या ना हो। ये यहां के सरकार से भी मैं यही कहना चाहता हूं, जब आप खुद ही कह रहे हैं कि आपको एनआरसी नहीं करना है तो चाहे वो छह सवाल हो या ना हो आपको पूरी तरीके से एनपीआर वापस लेना होगा, जब तक नहीं लेंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगी। दूसरी बात कानून की, जो एनआरसी और एनपीआर इस देश की हर गरीब के खिलाफ है, और खासकर मैं केरला से हूं, आप जैसे हम भी पूरा देश में हर जगह बसे हुए हैं, और हमारे अगर कहीं हम रहते हैं वहां जाके हमारे से पूछे कि तुम्हारा सब पूरा डॉक्यूमेंट लेके आओ, हमारे से मुश्किल हो जाता है दिखाना, हमसे नहीं हो पाएगा। तो ये जो एनआरसी और एनपीआर इस देश की हर गरीब के खिलाफ है, हर महिला के खिलाफ है। आसाम में एनआरसी हुआ, मुसलमान होने का और भारतीय होने का एक साथ ऐलान कर रहे हैं, ये भी इसी आंदोलन की जीत है। आंदोलन की जीत तो बहुत हो चुके हैं, पर इसी सरकार से हम ये कानून भी वापस करवाएंगे, ना एनआरसी होने देंगे ना एनपीआर होने देंगे, और ना हम इस सरकार से भी वापस ये कानून भी वापस करवाएंगे। पर उससे पहले एक छोटी सी नारा मैं आपको करना चाहता हूं, 46 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है आज, हर एक घंटे में एक बेरोजगार आत्महत्या कर रहे, हर घंटे एक नौजवान, उसको लगता है कि उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, वो इसलिए है क्योंकि उसके जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदार है, वो पॉलिटेक्निक में सिविल नहीं किया होता, आईटीआई किया होता, आईटीआई नहीं तो बीई किया होता, कंप्यूटर कर लिया होता, उसको लगता है कि उसकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी किसकी है, सरकार किसकी है, सरकार हमारी तो हमारी कानून ना आपको, सरकार जो है मोदी की है, जिम्मेदारी किसकी है। तो मैं कहूंगा देश में बढ़ती बेरोजगारी, आप कहेंगे मोदी तेरी जिम्मेदारी, देश में बढ़ती बेरोजगारी, देश में बढ़ती बेरोजगारी, घूम रहे हैं बलात्कारी, घूम रहे हैं बलात्कारी, क्यों बेच रहे हैं तू रेलगाड़ी पटरी, तू बेच रहे हैं रेलगाड़ी पटरी, जवान सभी तुझे वोट है प्यारी, जवान सभी तुझे वोट है प्यारी। लास्ट एक बात कहकर मैं अपना बात खत्म करूंगा, हर जगह महिलाएं बैठे हुए, हर जगह 500-600 जगहों पे महिलाएं बैठे हुए, उनसे मैं पूछता हूं कि क्यों बैठे हैं, वो कहते हैं देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, पर सबसे अधिक एक चीज कहते हैं इस देश को हमारे बच्चों के लिए बचाना है, अपने बच्चों के लिए बचाना है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं जब कोई मां अपने बच्चे के लिए लड़ता है ना तो जीत सिर्फ मां की हो सकती है और किसी का हो ही नहीं सकती, और किसी का हो ही नहीं सकती। इसी बात को मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, इस आंदोलन में जीत सिर्फ हमारी हो सकती है और किसी का हो नहीं सकती। जय हिंद, धन्यवाद।